कर्णिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो खोज में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, सबकी सेहत अच्छी चल रही होगी। हम जो ये इतने दिनों से वीडियोस बना रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, कार्मिक डेप्थ नंबर की सीरीज चल रही है, आई होप आप सबको पसंद आ रही होगी। हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा अगर आपको लग रहा है कुछ आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कार्मिक डेप्थ नंबर 14 के बारे में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कार्मिक डेप्थ नंबर 16 के बारे में। तो जो भी लोग 16th डेट को बोर्न हुए हैं किसी भी मंथ में, या फिर उनका डेस्टिनी नंबर 16 आता है डबल डिजिट में, मतलब उनका भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 16 आ रहा है, तब भी आपको कार्मिक डेप्ट चुकाना पड़ेगा इस लाइफ में, मतलब कार्मिक ऋण जो आपने पिछले जन्म में जो भी एक्शंस किए हैं उसका रिजल्ट है ये, जो आप 16th डेट को बोर्न हुए हो। तो मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या रेमेडीज करनी है सो दैट आप अपना जो ये ऋण है उसको कम कर सको और अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, उसका सफलता मिले आपको और आप आगे बढ़ सको, इन सब चीजों को ओवरकम करके, हर्डल्स को पार करके। क्योंकि जो भी आपने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, लोगों के साथ बुरा किया है, उनको धोखा दिया है, तो इस जन्म में उसका फल आपको मिल रहा है। एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन, ये लॉ सब जानते हो। तो जो लोग 16 को बॉर्न हुए हैं उन्होंने अपने पिछले जन्म में लोगों के साथ धोखा किया है, अपने पार्टनर को चीट किया है। 6 नंबर किसका होता है? 1 और 6, 1 मतलब सूर्य का नंबर, 6 मींस शुक्र का नंबर, वीनस का नंबर। वीनस क्या है? प्लैनेट ऑफ लव। तो आपने अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को या फिर अपने एम्प्लॉयज को, किसी के साथ भी आपने धोखा किया है, तो ये नंबर आपको मिला है, 16 नंबर आपको मिला है। 1 नंबर का भी नेगेटिव ट्रेट मिला आपको, सेल्फिशनेस, इगोटिज्म। 6 नंबर का भी आपको नेगेटिव ट्रेट मिला है। टोटल करेंगे तो 7 आता है। 7 मींस केतु का नंबर। तो अगर इस लाइफ में आप ज्यादा से ज्यादा मैनिफेस्टेशन करते हो, मेडिटेशन करते हो, ज्यादा से ज्यादा पीसफुल रहते हो, स्पिरिचुअल रहते हो, तो आपका ये जो 16 नंबर का प्रभाव है, कार्मिक डेप्ट है, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे। आपको ऐसा फील होता होगा जब आप 16 को बॉर्न हुए, स्पेशली वो लोग, कि वो कितना भी कुछ कर ले उनके रिश्तों में वो मिठास नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में। देखिए, जिन लोगों की शादी जल्दी हो गई है उनके तो यहां तक के चांसेस हो जाते हैं, डिवोर्स तक पहुंच जाती है बात। तो जो लोग 16 को बॉर्न हुए हैं वो लोग जितना लेट शादी करेंगे उतना ही ज्यादा बेटर होगा उनके लिए, रिश्ता टिकने के चांसेस होंगे। और शादी अगर आपकी बहुत जल्दी हो जाती है, बिफोर 30 ईयर्स, तो डिवोर्स तक के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ कार्मिक डेप्ट आपने लास्ट पास्ट लाइफ में अपनी जिसको धोखा दिया है उसका ऋण चुका रहे हो आप। मैरिटल इश्यूज सबसे ज्यादा देखे गए हैं, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उसमें भी उनका ब्रेकअप होने के चांसेस। शुक्र खराब है आपका, तो आपको शुक्र के उपाय करने होंगे। मेरे शुक्र के वीडियो में जाके भी आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या उपाय बताए हैं मैंने शुक्र के लिए। देखिए, जो आपका ये कार्मिक डेप्ट होता है ना 16 नंबर, बाकी नंबर से भी मैंने बताया है, किसी में फ्रीडम का मिसयूज हुआ है तो किसी में पावर का मिसयूज हुआ है, बट यहाँ पे आपका रिलेशनशिप का इश्यू चलेगा, मैरिज में प्रॉब्लम, आपके वाइफ से या अगर आप गर्ल हैं तो आपके हस्बैंड से नहीं बनेगी, शादी में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, फैमिली में इश्यू रहेंगे, हर जगह आपके रिश्ते उतने खास रहेंगे ही नहीं, चाहे वो दोस्तों के साथ हो चाहे वो परिवार के साथ हो, हर जगह आप अकेले पड़ जाओगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा शुक्रवार को
पूजा पाठ कीजिए, व्रत भी रह सकते हैं, रत्न पहनिए जो शुक्र के लिए हमने बताए हैं अपने वीडियोस में। ये सब छोटी छोटी रेमेडीज अगर आप करोगे तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों के साथ मधुर बोलिए, मीठा बोलिए। किसी को धोखा देने के बारे में इस जन्म में तो आप सोचिएगा भी मत। हर किसी के साथ लॉयल रहिए, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ। थोड़ी सामंजस्य बना के चलिए, बैलेंस बना के चलिए। सोचिए कि मुझे तो कार्मिक डेट मिला ही है, तो मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं, आपने दिमाग से सोचो ना कि मुझे तो कार्मिक ड्रैप क्लियर करना है ना, तो मैं कहीं कोई कितना भी मेरे साथ बुरा व्यवहार करे, मेरा पार्टनर कैसे भी करे, बट मैं अच्छा ही करूंगा। लोगों के साथ अच्छा करना स्टार्ट कर दो, सारे ऋण क्लियर हो जाएंगे आपके। जितना ज्यादा आप लोगों के साथ अच्छा करोगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओगे, अपने पार्टनर को सर आंखों पर बिठाओगे, उसके साथ प्यार से रहोगे, उसके लिए गिफ्ट लाओगे, अच्छे से रहोगे, घुमाओगे फिराओगे, जितना अच्छा करोगे आपका शुक्र मजबूत होता जाएगा और आपका कार्मिक गैप का जो अकाउंट है वो क्लियर होता चला जाएगा। फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। ये चीज में थोड़ा सा समय लगेगा, जो लोग 30th के बाद, थर्टी इयर्स के बाद उनका ये चीज कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि शादी थोड़ा लेट कीजिएगा अगर आपकी अभी तक नहीं हुई है। हो गई है तो कुछ नहीं कर सकते, रेमेडीज करते रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही मैं वीडियोस की सीरीज लाती रहूंगी और आपका ज्ञान बढ़ाती रहूंगी। कमेंट में बताइएगा अगर रिलेट कर पाए हैं तो। तब तक के लिए हर हर महादेव।